कि मैं बहुत स्लो बताऊं ना, मैंने पहले ही कहा था जो टॉपिक समझ नहीं आया उसको नोट करेंगे कॉपी में। टॉपिक अगर नोट कर लिया आपने, यहाँ पे मैंने डेमो दिखा दिया, बाद में उसको सर्च करके भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आप चाहो कि मैं पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊं, नहीं दिखा दे रहा तो आपको पहले बताना चाहिए ना सर कि नहीं समझ आ रही ये चीज। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चले आप बताइए। बता रहे उसी पर बताइए, उसी पर अभी आप बताइएगा। बताए चलो ठीक है, आप बताएंगे। देखिए हम तो इससे छुटकारा कभी पा ही नहीं सकते हैं, इस डर से। जो डर हमें शुरुआत से ही मिलता आया है, आप लोग को मैं शायद बता भी चुका हूं इस बारे में कि आपका जब मन लगेगा किसी भी क्षेत्र में हो तभी वो हासिल हो सकता है, अगर नहीं लगेगा तो नहीं सीख सकते हैं। हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि सिर्फ रास्ता बताया जा सकता है। जैसे सर ने ये टॉपिक्स बताया, मुश्किल से 10 या 15% समझ में आया होगा, हमें भी बहुत कम समझ में आया। ऐसा क्यों? नहीं फिर ताली नहीं, गलत है। बताने का टॉपिक बहुत अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर यही टॉपिक्स अगर पता जिसको होगा उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो क्लास में उसका मन भी लगेगा, पर हमें सिर्फ इतना ही सीखना है जितना एक ऑफिशियल वर्क है। तो सर ने जितना बताया सिर्फ अगर उतना प्रैक्टिकल दे दिया जाए तो भी अभी तक नहीं हो पाएगा। तो ये आपको खुद से करना है। जो रास्ता बताया जा रहा है उस पर आपको चलना पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है तो। नौकरी तो हो ही गया है, कोई कुछ करेगा नहीं, ठीक है, पर हम अपने लिए सीख रहे हैं। उस पर जितना आप स्टडी करिए, अगर जरूरत है तो करिए, नहीं है तो मत करिए, वो आपके ऊपर है। हमने बोला था ना कि आप अपने लिए अगर अपनी यूज के लिए सीखेंगे। ऑफिशियल देखिए, एक सरकारी जब वर्क होता है ना उसको उतना नहीं ध्यान दिया जाता है, जब अपना खुद का वर्क होता है तो उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर भी बात हो रही है, क्या बात है? तो ये हम जो सीख रहे हैं सिर्फ ये मान लेना कि हम अपने लिए सीख रहे हैं। बीएचयू में जितनी कार्यशाला होती है या ट्रेनिंग होता है, बहुत ऊंचे लेवल पर बड़ी सौभाग्य होता है कि हम लोग को नसीब मिलता है सीखने का। अब उसको इतना, अब जैसे कि देखिए हिंदी का कार्यशाला होता है उसमें सिर्फ लोग जाते हैं ना खाना खाने के लिए, पर रियलिटी बता रहे हैं कि वो कार्यशाला जो चलती है दिल्ली से, वहां से ट्रेनर आते इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं कि वो लाइफ टाइम तक हमें, हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमें आज भी जो जानकारी पढ़ाई से नहीं मिला हिंदी में वो हमें उस ट्रेनर के जरिए मिला। मुश्किल से क्लास में करीब 60-70 लोगों का क्लास चलता था, 15-20 लड़के हम लोग जाते थे और बकिया लोग खाते खाने के समय में एकदम टाइमली पहुंच जाते थे। अब उन लोग के साथ देखिए।